Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another game day video. तो guys, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं Free Fire. जी हाँ guys, तो इस intro के साथ आप कितना ज़्यादा attached हो चुके हो, कितना ज़्यादा पसंद करते हो इस intro को, मुझे ज़रूर comments में जाकर बताना ताकि मुझे भी पता लग जाए कि कितने ज़्यादा Techno Gamerz के fans जो है हमारे CanIStand के भी audience है. तो guys, आज के दिन में Techno Gamerz Indian gaming community के अंदर एक ऐसा famous personality बन चुके हैं जिनको कि most of the audience बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उनकी gamings की वजह से, उनकी commentary की वजह से और भी बहुत सारा कुछ, जिसी को आज मैं बताने वाला हूं आपको, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आता है, क्या क्या चीजें उनको जो बेस्ट बनाती है एज अ गेमिंग क्रिएटर एंड एज अ यूट्यूबर ऑल्सो, क्या क्या चीजें हैं उनके अंदर और क्या क्या चीजें वो करते हैं जिनकी वजह से आज के दिन में जाकर इतने सारे ऑडियंस का सपोर्ट, लगभग 11.5 मिलियन सपोर्टर्स उनके पास अभी है. तो गाइस, इतने सारे सपोर्टर्स क्यों उनको इतना ज्यादा प्यार करते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे. सो गाइस, नंबर वन द बेस्ट चीज जो है वो है उनके अंदर का कंसिस्टेंसी. जी हाँ गाइस, आप लोग किसी भी यूट्यूबर को पकड़ लो या फिर किसी भी वर्कर को पकड़ लो जो कि अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म में काम करता हो, अगर उस बंदे के पास कंसिस्टेंसी नहीं है ना, तो वो उस काम में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है. जो कि मैंने देखा है Techno Gamerz में, जो कि मैंने देखा है टेक्निकल गुरु जी में. जी हाँ गाइस, इन सभी लोगों के अंदर एक जो कंसिस्टेंसी है ना, ये बहुत नेक्स्ट लेवल वाला है. आप पकड़ के रख लो भाई, 50-50 एक एक घंटे का वीडियो, अगर डेली छोड़ दीजिए, एक एक दिन बाद बाद भी कोई बंदा अपलोड करता है, तो उनके अंदर कितना ज्यादा लगन है, उसके अंदर कितना बड़ा जोश और जुनून है, आप खुद सोच सकते हो. That's for why कि मुझे ये अच्छा लगता है कि उनके अंदर इतना तगड़ा वाला कंसिस्टेंसी है, जो कि हर एक के लिए मेंटेन करना बहुत इजी नहीं होता है गाइस. ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि भाई ये हम मेंटेन कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी हम रख सकते हैं, बट आप जब पर्टिकुलरली उस काम को करना स्टार्ट करेंगे, आपको लगेगा नहीं भाई ये उतना भी आसान नहीं है, और इसको मैं मेंटेन हर दिन कैसे कर सकता हूँ, या फिर इतना कंसिस्टेंसी के साथ मैं कैसे इस काम को कर सकता हूँ. तो ये जो चीज़ है पहला वाला, ये उनके अंदर है, एंड दैट्स फॉर व्हाई उनको इतना ज़्यादा ऑडियंस पसंद करते हैं. अब नंबर सेकंड जो बेस्ट थिंग आता है गाइस उनके बारे में, वो है नो कंट्रोवर्सी. अब आपको पता होगा गाइस कि आज के दिन में फ्री फायर के कम्युनिटी के अंदर कितने ज्यादा कंट्रोवर्सीज होते रहते हैं, और ऑडियंस को मजा भी आता है उनको देखने में, बट स्टिल यार वो अभी तक किसी भी कंट्रोवर्सी के अंदर मुझे जाते हुए नहीं दिखे फिलहाल, क्योंकि वो कभी गए नहीं, अपने काम के अंदर जो है वो हमेशा फोकस रहते हैं और हमेशा अपने काम को लेकर, आपको एंटरटेन करने को लेकर जो है हमेशा सोचते रहते हैं, सो दैट वो कभी कंट्रोवर्सीज वगैरह ये सब करने की सोचते ही नहीं है, और पॉपुलर वो ऑलरेडी है, सो उनको कोई भी यहां पे जो है फेमस होने के लिए फालतू की चीजें करने की भी जरूरत नहीं होती, एंड ये दैट्स व्हाई मैं बहुत ज्यादा उनको पसंद भी करता हूं. अब नंबर थर्ड जो बेस्ट थिंग लगता है मुझे उनके बारे में, वो है चार्मिंग क्रिएशन. जी हां गाइस, उनके हर एक क्रिएशन को अगर आप गौर से, बारीकी से देखोगे ना, तो आपको ये पता लगेगा कितना ज्यादा रोमांचक है वो, कितना ज्यादा उनके अंदर जो थ्रिलर रहता है, कितना ज्यादा वहां पे जो है क्यूरियसिटी रहता है कि इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में क्या हो सकता है, ये क्या है, वो क्या है, मतलब आपको हमेशा ना एक थ्रिलर टाइप का फील होगा, आपको हमेशा एक जो क्यूरियसिटी तो है फील ही होगा, क्योंकि हर एक एपिसोड के बाद आपको ये जानने का इच्छा करेगा कि इसके बाद क्या होने वाला है. लाइक हम जैसे ना, आप लोग सीरियल्स वगैरह देखते हो, आप लोग जैसे ड्रामास वगैरह देखते हो, वैसे ही आपको हमेशा से अंदर से एक फीलिंग आता रहता है कि इसके बाद वाला एपिसोड क्या होगा, माइकल ट्रेवर क्या करेगा, लेस्टर क्या करेगा, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, स्पेशली वो GTA 5 के एपिसोड्स में बहुत ज्यादा और भी पॉपुलर हो रहे हैं. अब नंबर फोर जो चीज आता है, ये मुझे तो स्पेशली बहुत ज्यादा तगड़ा वाला लगता है, क्योंकि गाइस एक गेमर जब होता है ना, गेमर का मेंटालिटी कैसा होना चाहिए, वो कभी भी एक गेम को लेकर पड़ा नहीं रहेगा. एक गेमर अगर आप हो तो आप वेरियस काइंड ऑफ गेम्स ट्राई करने वाले हो, आप मल्टीपल गेम्स खेलने वाले हो, जिससे ऑडियंस भी खुश हो जाए और आपका भी दिमाग बहुत ज्यादा खुश हो जाए, क्योंकि आप एक गेम खेलते खेलते ना बहुत टाइम ना बोर भी हो जाते हो, और आप उस गेम से थोड़ा छुटकारा पाना चाहते हो और आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हो. ये जब आपके अंदर आ जाए तब आप हो एक असली गेमर, या तो आप अगर एक ही गेम खेलते रहोगे तो कभी भी आप एक गेमर नाम से पुकारा नहीं जाओगे. बिकॉज गाइस मुझे ऐसा लगता है कि फ्री फायर के जो पर्टिकुलर बहुत ज्यादा चाहने वाले प्लेयर्स हैं, मैं खुद भी फ्री फायर खेलता हूं, बट ऐसा नहीं है मैंने कभी पबजी को अंडरएस्टिमेट नहीं किया है. अब जो मैंने सुना है भाई, फ्री फायर वाले जो है पबजी को इतना ज्यादा जो नापसंद करते हैं, या फिर पबजी वाले जो है फ्री फायर को नापसंद करते हैं, ये चीज होना बहुत ही फालतू वाला चीज है, क्योंकि एज अ गेमर आपको कभी ये सोच नहीं रखना है, ऐसा मेंटेलिटी नहीं रखना है, और अगर ऊपर से आप क्रिएटर हो तो आपको अपने ऑडियंस के लिए मल्टीपल गेम्स खेलकर उनको भी बहुत ज्यादा एंटरटेन करने के बारे में सोचना चाहिए. तो ये भी जो है Techno Gamerz के अंदर मुझे बहुत तगड़ा वाला लगता है. हमारे उज्जवल भाई के अंदर ये तगड़ा वाला लगता है कि वो सिर्फ GTA 5 देखे, आप एक चीज गौर करना, वो GTA 5 खेलते हैं और उनमें बहुत ज्यादा तगड़ा वाला व्यूज आता है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो GTA 5 भी हर दिन जो है एपिसोड लाता रहता है, वो हर टाइप्स ऑफ गेम्स को जो है ट्राई करते हैं, एंड उसी की वजह से जो है उनके अंदर एक
अलग सा एनर्जी क्रिएट होता है जिससे वो और भी ज्यादा गेम्स खेलने के लिए मोटिवेट होते हैं। वैसे गेम्स खेलने के लिए हर कोई मोटिवेट होता रहता है, बट गेम्स को जो है ट्राई करना, अलग अलग गेम्स को ट्राई करना और आपको हमेशा एक एक गेम्स का नया नया एपिसोड लेके आना, ये बहुत ही तगड़ा वाला चीज होता है गाइस, और ये उनके अंदर है। अब नंबर फिफ्थ जो चीज आता है गाइस वो है कमेंट्री। जी हाँ गाइस, कमेंट्री एक आज के दिन में एक ऐसा चीज बन गया है गेमिंग में, अगर वो आप तगड़ा वाला कर सकते हो ना, जैसे कि आप मान के चलो क्रिकेट में आकाश चोपड़ा जी जो है उनका कमेंट्री सुनने के लिए लोग भाई दौड़ के चले जाते हैं। वैसे एक बैट्समैन छक्का क्या मार देता है भाई, उनका कमेंट्री सुन के आप पागल हो जाओगे, इतना अच्छा कमेंट्री लगता है। वैसे ही गाइस यहाँ पर हर एक गेम्स के लिए इंडिविजुअल कमेंटेटर्स रहते हैं और उनका कमेंट्री के लिए सुनने के लिए स्पेशली आप जो है गेम्स देखने जाते हो। वैसे ही गाइस उज्ज्वल भाई मतलब हमारे टेक्नो गेमर्स जो है वो भी जो है हर एक एपिसोड में लगातार कॉन्स्टेंटली जो है कमेंट्री किए जाते हैं, बकते रहते, बोलते रहते, एंड दिस थिंग आई सैल्यूट सो मच बिकॉज 30 मिनट्स 40 मिनट्स एक एक घंटे के एपिसोड्स में लगातार कमेंट्री करना इज नॉट सो मच इजी गाइस, आपको पता होगा अगर आप खुद खेलते हो। हम जब गेम्स खेलते हैं ना, हम बहुत टाइम के लिए रेस्ट भी ले लेते हैं, मुंह बंद रखते सिर्फ गेम प्ले करते हैं, बट वो कमेंट्री के साथ साथ गेम प्ले रिकॉर्ड करते हैं और आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, एंड आई सीरियसली सैल्यूट दिस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज गाइस, ही इज टोटली ऑडियंस फ्रेंडली गाय। गाइस ये जो चीज है वो उन सभी चीजों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको मैंने अभी आपको बताया, एंड ये चीज अगर आपको किसी भी क्रिएटर के अंदर मिल जाए ना, तो गाइस वो क्रिएटर सिर्फ क्रिएटर नहीं है, वो आप सभी लोगों के बीच में एक बहुत ही तगड़ा वाला फेमस पर्सनालिटी भी है, और इतना तगड़ा वाला पर्सनालिटी है जो कि कभी ये चीज गवाने वाला नहीं है। अगर आपके पास ये आ जाए ना, तो आप कभी भी इस चीज को गवाओगे नहीं, बिकॉज ये चीज जो है बहुत एक नेक्स्ट लेवल वाला चीज है जो कि सभी के अंदर नहीं होता है। यही सबसे रेयर चीज है उनके अंदर, जो कि ऑडियंस फ्रेंडली बिहेवियर आपके साथ, मतलब ऑडियंस के साथ उनका जो इंटरेक्शन है ना वो नेक्स्ट लेवल वाला है। वो ऑडियंस को कभी ऐसा नहीं दिखा मैंने कि ऑडियंस को वो कभी भी मतलब उदास नहीं करते, वो हमेशा जो है अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, और ये जो चीज है और ऑडियंस को समझना, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है, और हर एक क्रिएटर्स के अंदर ये नहीं होता है कि अपने ऑडियंस को समझ पाए, ऑडियंस क्या डिमांड कर रही है, कब क्या चाह रही है, नेक्स्ट एपिसोड में क्या चाह रही है, और ऐसा क्या चाह रहा है कि वो करे ऑडियंस के लिए, और ऑडियंस उनके अंदर क्या देखना चाह रही है। इन सभी को समझ के एक क्रिएटर जब ऑडियंस फ्रेंडली होकर और ऑडियंस के साथ अच्छी तरीके से बिहेव करके जो अपने सभी लगातार अपने काम को जो है आगे करता रहता है ना, उसकी बात जो है क्या ही करे भाई। एंड इन सभी चीजों के बाद एक ऑडियंस उनको पसंद नहीं करेगी तो क्या करेगी, आप खुद बताओ गाइस। एंड दैट्स व्हाई आई लाइक हिम सो मच आल्सो, एंड मुझे पता है कि गाइस आप लोग भी बहुत ज्यादा उनको प्यार करते हो, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हो, और इसके अलावा एक क्रिएटर को और कुछ नहीं चाहिए होता है। एंड आई होप गाइस कि आप लोग मुझे भी उतना ही ज्यादा प्यार एंड सपोर्ट करोगे जितना आप अभी उज्ज्वल भाई को भी करते होंगे। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो अगर पसंद आया तो जरूर से एक लाइक कर देना, मेरे लिए सिर्फ नहीं हो पाए तो टेक्नो गेमर्स के लिए भी, क्योंकि आप उनको कितना ज्यादा पसंद करते हो एक लाइक करके बता देना जरूर। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू टुमारो, लव यू ऑल।